रोजी खबर और अच्छी खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जोड़ दबाएं। अगर खबर अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। वैसे तो सिवान नटवरलाल का शहर है और नटवरलाल देश में नहीं बल्कि दुनिया में एक बड़े ठग के नाम से जाने जाते थे, लेकिन आज सिवान जीआरपी पुलिस ने एक बार फिर एक नटवरलाल का पर्दाफाश किया है। यह नटवरलाल देखने में कोई दबंग नहीं है और ना ही कोई वृद्ध व्यक्ति है। यह नटवरलाल एक युवा लड़का है जो विगत कई महीनों से एसडीओ बनकर सिवान आरपीएफ जीआरपी और अन्य कार्य विधियों की जांच किया करता था और अधिकारियों से खूब खातिरदारी कराया करता था। गौर से देखिए इस युवक को जो अपनी पहचान अपने हाथों से छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह नटवरलाल है जिससे अधिकारी बनने का शौक था और अधिकारियों की तरह ही सिवान रेलवे जंक्शन पर आकर विगत कई महीनों से जांच कर रहा है। बेसिकली यह नटवरलाल सिवान के पास के जिले गोपालगंज का रहने वाला है और इसका नाम औरंगजेब अली है, जो कुछ दिन पूर्व किसी अधिकारी के साथ रहकर अपने आप को खुद अधिकारी के रूप में ढाल चुका था। नेटवर्क लाल के पास से आईडी कार्ड भी बरामद हुआ है, जिस पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के फर्जी दस्तखत भी हैं। बहरहाल सिवान रेल पुलिस ने शक के आधार पर सिवान के इस नेटवर्क लाल को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। देखने से नहीं लगे कि डीएम आई कार्ड मांगे, आई कार्ड दिए सब डिजनल स्टेट का। उसके बाद वेरीफाई किए तो ये मैंने अपने भी एक्सेप्ट कर लिए कि हम एसडीएम नहीं हैं। पहले भी 4-5 बार आ चुके हैं, थाना में भी एक बार चेक उप किया, जानकारी नहीं थी, आज जानकारी हुई है। इनके पास कहाँ के रहने वाले? अथवा के रहने वाले हैं, नाम मोहम्मद औरंगजेब अली है।